गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू ऑल माइट हैव कंप्लीटेड योर रिविजन टेस्ट क्वेश्चंस दैट वाज बेस्ड ऑन द चैप्टर नंबर 1. नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू द एंड यू हैव ऑल्सो कंप्लीटेड द रिविजन टेस्ट दिस बेस्ड दैट वाज बेस्ड ऑन द चैप्टर नंबर 2. नाउ आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू विद द आंसर्स रिलेटेड विद दिस क्वेश्चंस ऑफ रिविजन टेस्ट चैप्टर नंबर 2. सो यू विल चेक योर आंसर्स कि आपने सही लिखा है या नहीं. फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 1-1 मार्क्स का आपका 3 क्वेश्चंस है. तो इसमें क्या करना है आपको कि अगर आपका आंसर सही है, आपने सही आंसर लिखा है, तो आप 1 मार्क्स दोगे. अगर रॉन्ग लिखा है तो क्रॉस कर दोगे, और जो सही आंसर है उसे क्या करोगे, लिखोगे. सो आई एम प्रोवाइडिंग यू विद द आंसर्स हियर. फर्स्ट वन हियर इन दिस, ए चूज द करेक्ट आंसर. इसमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको इन्हीं में से क्या करना था कि आपको करेक्ट आंसर को टिक करना था और इस ब्लैंक में लिखना था. सो द फर्स्ट वन हियर इन दिस, कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन. कंप्यूटर्स कहाँ यूज होता है, तो आपको ऑप्शंस दिया गया है, ए होम्स, बी बैंक्स, सी हॉस्पिटल्स, डी ऑल ऑफ दिस. तो कहाँ यूज होता है, यानी होम्स में भी यूज करते हैं हम लोग, बैंक्स में भी यूज होता है, साथ ही साथ हॉस्पिटल्स में भी, यानी इन सभी जगह पे क्या होता है, कंप्यूटर्स यूज किए जाते हैं. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस. आप लोग यहाँ पे ऑल ऑफ दिस नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे, होम्स, बैंक्स एंड हॉस्पिटल्स. तो आप यहाँ लिखोगे होम्स लाइक दिस, एच ओ एम ई एस, होम्स, हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स एंड बैंक्स. यू विल राइट इट डाउन हियर, एंड बैंक्स. ओके, सेकेंड वन, वी कैन बाय थिंग्स डैश यूजिंग कंप्यूटर्स. यानी हम लोग चीजों को खरीद सकते हैं कैसे, वो भी कंप्यूटर का यूज करके. ऑप्शंस आर, ए ऑनलाइन, बी बुक्स, सी प्ले, डी ऑफलाइन. तो कैसे खरीद सकते हैं हम लोग, ऑनलाइन खरीद सकते हैं कंप्यूटर का यूज करके. तो आप यहाँ पे टिक करोगे और यहाँ पे लिखोगे ऑनलाइन, ओ एन ऑन एल आई एन ई लाइन. नेक्स्ट थर्ड नंबर, कंप्यूटर डज नॉट मेक, यानी कंप्यूटर क्या नहीं करता है. फर्स्ट नंबर, ए फास्ट, बी मिस्टेक्स, सी स्लो, डी नन ऑफ दीज. तो यानी कंप्यूटर्स क्या नहीं करता है, मिस्टेक्स नहीं करता है. तो यहाँ पे आप टिक करोगे और यहाँ पे लिखोगे मिस्टेक्स, एम आई एस मिस टी ए के ई एस, मिस्टेक्स. अब हम लोग मूव करेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स पे. फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या करना है, आपको क्वेश्चन पहले पढ़ना है, फिर वहां पे जो एप्रोप्रिएट आंसर होगा उसे आपको क्या करना है, राइट डाउन करना है. सो लेट अस सी द फर्स्ट वन. फर्स्ट, वी कैन ड्रॉ पिक्चर्स ऑन अ डैश लाइक कार्टून्स, ग्रीटिंग कार्ड्स, ईटीसी. हम लोग किस पे ये सारी चीजें ड्रॉ कर सकते हैं, यस ऑन अ कंप्यूटर. सो यू विल राइट अ कंप्यूटर, सी ओ एम पी यू टी ई आर. कंप्यूटर पे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं पिक्चर्स, जैसे कि कार्टून्स, ग्रीटिंग कार्ड्स और बहुत सारी ब्यूटिफुल पेंटिंग्स भी बना सकते हैं. नेक्स्ट सेकेंड नंबर, कंप्यूटर नेवर गेट्स. कंप्यूटर क्या नहीं होता, हमेशा थकता नहीं है. तो यू विल राइट हियर, थकने को क्या कहते हैं, टायर्ड, टी आई आर ई डी, टायर्ड. कंप्यूटर कभी भी टायर्ड नहीं होता है. थर्ड नंबर, कंप्यूटर कैन स्टोर अ लॉट ऑफ, यानी कंप्यूटर बहुत सारी चीजों को, किस चीज को स्टोर करके रख सकता है, इंफॉर्मेशन को. तो यहां लिखेंगे इंफॉर्मेशन, आई एन एन एफ ओ आर फॉर एम ए मे शन टी आई ओ एन इंफॉर्मेशन. यानी वो किस चीज को स्टोर करके रख सकता है, ढेर सारे इंफॉर्मेशन को. अब आपको सी नंबर में क्या करना था, अगर स्टेटमेंट आपका सही था या राइट था तो आपको क्या लिखना था, टी, और अगर रॉन्ग है तो उसके लिए क्या लिखना था, एफ. मैच कर लीजिए. फर्स्ट नंबर, स्कूल्स डू नॉट नीड कंप्यूटर्स. स्कूल्स में कंप्यूटर्स की जरूरत नहीं होती है. तो क्या नहीं होती है, होती है. तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, फॉल्स. सेकेंड नंबर, कंप्यूटर्स कैन नॉट परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ टास्क.
कंप्यूटर से हम लोग बहुत तरीके के टास्क परफॉर्म यानी काम नहीं कर सकते. इज इट ट्रू? नो. सो वी विल राइट हियर एफ. थर्ड नंबर, कंप्यूटर्स कैन नॉट डू मैथमेटिकल कैलकुलेशन. क्या प्लस माइनस इंटू डिविजन ये हम लोग कंप्यूटर से नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन यहां पे क्या लिखा है? नहीं कर सकते. तो ये रॉन्ग है. तो आप यहां लिखोगे एफ. नाउ हम लोग किस में मूव करेंगे? क्वेश्चन एंड आंसर पे. क्वेश्चन एंड आंसर आपका कितने मार्क्स का था? 2-2 मार्क्स का. तो इसीलिए उसी हिसाब से आपके आंसर्स भी होने चाहिए. लेट अस सी. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस क्वेश्चन एंड आंसर इज राइट एनी टू बेनिफिट्स ऑफ अ कंप्यूटर. आपको कोई भी दो बेनिफिट्स लिखने थे. बेनिफिट्स तो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते वक्त भी बताया है. चैप्टर नंबर 2 में है ये कि बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं. आपको सिर्फ यहाँ पे कितने लिखने थे? 2. सो व्हाट आर द बेनिफिट्स? 2 बेनिफिट्स ऑफ ए कंप्यूटर आर, क्या होता है ये? इट वर्क्स वेरी फास्ट, बहुत ही तेजी से काम करता है. सेकेंडली, इट नेवर गेट्स टायर्ड, ये कभी भी थकता नहीं है. सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? नेम एनी टू प्लेसेस वेयर कंप्यूटर्स आर यूज. आपको दो प्लेसेस, ऐसे दो प्लेसेस के नाम बताने हैं जहां पे कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है. आप सभी को मैंने बताया कि बहुत सारे जगह पे यूज किया जाता है कंप्यूटर्स का, लेकिन आपको यहाँ पे कितने लिखने हैं? 2 ही. तो कौन सा लिख लोगे आप? यहाँ पे मैंने 2 कोई भी लिखा है, आप भी कोई 2 लिख सकते हो. एट होम्स, एट बैंक्स. थर्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नेम एनी टू टास्क विच कैन बी परफॉर्म यूजिंग कंप्यूटर. यानी 2 काम आपको बताना है जो कि हम लोग कर सकते हैं कंप्यूटर का यूज करके. तो क्या क्या कर सकते हैं? हम लोग प्ले कर सकते हैं गेम्स, और हम लोग देख सकते हैं मूवीज, वॉच कर सकते हैं मूवीज को भी. तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? वी कैन प्ले गेम्स, वी कैन वॉच मूवीज. आप भी कोई 2 लिख सकते हो. यहाँ पे मैंने यहाँ पे कोई 2 लिखा है. बहुत सारे वर्क कर सकते हैं हम लोग कंप्यूटर का यूज करके, आप लिख सकते हो यहाँ पे. ओके, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.